बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप खैरियत से होंगे। आज हमारी उर्दू की क्लास है, तो आप अपनी उर्दू की किताबें खोलें। अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 22 कौन, ठीक है? ये है आपकी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 22, ठीक है? ये है 22, और आज हम इस सफ़ा पर पढ़ेंगे हर्फचा का तीसरा पेज, ठीक है? और आज हमारा टॉपिक है दायरा लगाइए, पेंसिल पेरिए और लिखिए। दायरा लगाइए, पेंसिल पेरिए और लिखिए। आज हमने इस सफ़ा पर तीन काम करने हैं। पहले हमने चाकी चीज़ों पर दायरा लगाना है, फिर हमने हर्फचा पर पेंसिल पेरना है, और फिर हमने हर्फचा को लिखना है। यहाँ पे आज हमारे साथ तीन आइकॉन हैं। द टूल नमक के चिकम आइकॉन दे दायरा लगाइए। नु चिकम सिजुना द चाना शुरू कीगी हगीबा नि वमंगा दायरा लगो। ब्या दूसरा आइकॉन है पेंसिल पेरिए। ब्या वमंगा पहर्फ चा बांधी पेंसिल गरजो। और आखिरी आइकॉन हमारे साथ है लिखिए। नु ब्या वमंगा हर्फ चा पखपल बांधी लिखो। और यहाँ पे आपने तारीख डालनी है, ठीक है बच्चों? तो चले देखते हैं कि इस सफ़ा पर आज हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं। अच्छा बच्चों, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये किस चीज़ की तस्वीर है? चिड़िया की तस्वीर है। वेरी गुड, क्योंकि इससे पहले आपने चिड़िया को इस सबक में पढ़ा है, ठीक है? इससे पहले आपने चिड़िया को दूसरे पेज पे कलर भी किया था और फिर आपने इसको मैच भी किया था। तो क्या है ये? चिड़िया। वेरी गुड। और ये किस चीज़ की तस्वीर है? टब। क्या है ये? टब। कम चिमंगा दब्बो दबारा इस्तेमाल हो। और ये क्या है? चांद। क्या है ये? चांद। चांद वही स्पोगमई था। अच्छा बच्चों, और ये क्या है? जग। क्या है ये? जग। वेरी गुड। अच्छा, और ये किस चीज़ की तस्वीर है? चाकू। चाकू वही मंगवा तो हम चाकू हुआ है, ठीक है? नो चाकू, ये चाकू की तस्वीर है। अच्छा बच्चों, तो अब हमने करना ये है कि इसमें जो जो चीज़ें चा से शुरू होंगी उस पर हम दायरा लगाएंगे, और जो चीज़ें हर चा से शुरू नहीं होंगी उसको हम क्रॉस करेंगे। तो चले देखते हैं कि आज इस सफ़ा पर हम कौन कौन सी चीज़ों पर दायरा लगाएंगे। अच्छा बच्चों, तो सबसे पहले मुझे बताएं कि ये क्या था? ये किस चीज़ की तस्वीर थी? चिड़िया की तस्वीर थी। क्या है ये? चिड़िया। क्या है ये? चिड़िया। अच्छा बच्चों, तो चिड़िया की शुरू की आवाज़ क्या है? चा है। चिड़िया की शुरू की आवाज़ क्या है? चा है। तो क्या चिड़िया पर हम दायरा लगाएंगे? हाँ। और देखिए, चिड़िया पर ऑलरेडी दायरा लग चुका है। तो ये चा से शुरू होता है, इसीलिए चिड़िया को सर्कल किया गया है। अच्छा बच्चों, और ये क्या है? टब। क्या है ये? टब। तो टब की शुरू की आवाज़ क्या है? ट। टा से टब। तो क्या टब पर भी दायरा लगाओ? नो, टब पर हम दायरा नहीं लगाएंगे, क्योंकि टब की शुरू की आवाज़ है टा, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। अच्छा बच्चों, और ये क्या है? चांद। क्या है ये? चांद। तो चांद की शुरू की आवाज़ क्या है? चा। शाबाश। चांद की शुरू की आवाज़ क्या है? चा है। तो क्या चा पर हम दायरा लगाएंगे? यस, चा पर हम दायरा लगाएंगे। और दायरा हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि चांद की शुरू की आवाज़ है चा। चा से चांद। चा से चांद। तो चांद पर हमने दायरा क्यों लगाया? क्योंकि चांद की शुरू की आवाज़ थी चा। अच्छा बच्चों, और ये क्या है? जग। क्या है ये? जग। तो जग की शुरू की आवाज़ क्या है? जा। तो क्या जा पर भी दायरा लगाओ? नो, जा पर हम दायरा नहीं लगाएंगे। और इस पर हम दायरा क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जग की शुरू की आवाज़ है जा। जा से जग, तो हम जग को क्रॉस
क्रॉस करेंगे। अच्छा, और ये क्या है? चाकू। क्या है ये? चाकू। और चाकू की शुरू की आवाज़ क्या है? छा। छा से चाकू। तो क्या चाकू को भी क्रॉस करूं? नो, चाकू को हम क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि चाकू की शुरू की आवाज़ है छा। छा से चाकू। तो हमने चाकू को सर्कल किया। अच्छा बच्चों, तो अब आप मुझे बताएं कि इस सफ़ा पर हमने कौन कौन सी चीज़ों पर दायरा लगाया? छा से चाकू, छा से चांद, और छा से चिड़िया, और ये है टब। तो टब को हमने क्रॉस किया, क्योंकि टब की शुरू की आवाज़ थी ठा। और जग को भी हमने क्रॉस किया, क्योंकि जग की शुरू की आवाज़ भी झा थी। अच्छा बच्चों, दूसरा आइकॉन हमारे साथ है पेंसिल पे लिए। तो अब हमने हर्फ चा पर पेंसिल पहना है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, बड़े नुक्ते से शुरू करें। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ मिलाया, नीचे तीन नुक्ते लगाए, तो लिखा चा। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ मिलाया, नीचे तीन नुक्ते लगाए, तो लिखा चा। इसी तरह बच्चों, आपने वन बाय वन चा को अच्छी तरीके से उस पर पेंसिल पेरना है, और वाज़ेह आपने नुक्ते लगाने हैं। ठीक है, तीन नुक्ते लगाने हैं। तो नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ मिलाया, फिर नीचे तीन नुक्ते लगाए, तो लिखा चा। और इसी तरह बारी बारी आपने एक एक चा को लिखना है, और साथ में आपने बोलना है कि ये चा है। ठीक है बच्चों, इसी तरह आपने दूसरी लाइन पर भी पेंसिल पेरना है। ठीक है, फिर तीसरा जो लाइन है, यहाँ भी आपको डॉट्स दिए हैं। तो तीसरा आइकॉन हमारे साथ है लिखिए। नुवस्वमंग द हर्फ चा पखपल वांदी लिखो। ठीक है, तो इस नुक्ते से शुरू करेंगे। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ मिलाया, फिर नीचे तीन नुक्ते लगाए, तो लिखा चा। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ मिलाया, और फिर नीचे तीन नुक्ते लगाए, तो लिखा चा। अच्छा बच्चों, इसी तरह आपने अच्छी राइटिंग में चा लिखना है, और नुक्ते आपने बिल्कुल क्लियर लगाने हैं, और आपने चा की छोटी शक्ल लिखनी है, और लाइन के साथ आपने टच करना है, और नुक्ते आपने बिल्कुल क्लियर लगाने हैं। ठीक है, तो नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ मिलाया, फिर नीचे तीन नुक्ते लगाए, तो लिखा चा। और इसी तरह आपने बाकी की दो लाइन भी खुद लिखनी है। अच्छा बच्चों, इसके साथ ही हमारी आज की उर्दू की क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद है आज के सबक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।